हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि डल लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था डेबर लेक को लेकर के। तो डेबर लेक को अगर हम मैप में व्यू करें, डेबर लेक जिसको जैसमंद लेक के नाम से भी जानते हैं, डेबर लेक जो है वो हमारे इंडिया के ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान स्टेट के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मींस अगर हम देखें तो डेबर लेक जो है वो वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। डेबर लेक का फॉर्मेशन 1685 में यहाँ पर उदयपुर वाले एरिया में एक रूलर थे महाराणा जय सिंह, इन्होंने रिवर के पानी को रोक करके इस लेक का फॉर्मेशन करवाया था। आप सभी को पता है कि इस टाइम में हमारे इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स का रूल था, तो राजस्थान के उदयपुर वाला जो एरिया है इसको मेवाड़ स्टेट के नाम से उस टाइम जानते थे और यहाँ पर गोहिल डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी। तो गोहिल डायनेस्टी के ही एक इम्पोर्टेंट रूलर थे महाराणा जय सिंह, उन्होंने इस लेक का फॉर्मेशन करवाया था। तो ये जैसमंद लेक या फिर डेबर लेक से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। द हिंदू की न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 के लिए वो सारे एस्पायरेंट्स जिन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया है 2023, उसके लिए उनके लिए ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 अगस्त से ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है 10-15 स्टूडेंट्स के बैच बनाए जाएंगे और अलग अलग मेंटोर जो हैं वो आपको अलॉट किए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि 2023 की जो आपकी जर्नी है उसको प्रीलिम्स प्लस मेंस के बेसिस पर हम उसको कंप्लीट करवाएंगे। आपका जो भी सिलेबस है उसमें प्रीलिम्स के बेसिस पे भी उसको कवर किया जाएगा। डेली बेसिस पर आपको टारगेट दिए जाएंगे, मेंस के बेसिस पर आपके आंसर राइटिंग, एसए, GS4 इन सभी के ऊपर फोकस किया जाएगा। आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करवाया जाएगा आपके जो भी आंसर्स रहेंगे। कोशिश की जाएगी कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी में हमारे जो मेंटोर हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप इस ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे मेल हमारे पास आ रहे हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपके लिए जो वोल्केनो अकेडमी जो है, वोल्केनो आईएएस जो है, उसकी वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो वेबसाइट पर आपको volcanoais.com के नाम से वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल दोनों पर अवेलेबल आपको करवा दिया जाएगा। वहां पर जाकर के आप वेबसाइट पर क्लिक जब करोगे तो मेन मेन्यू में आप जाकर के जब क्लिक करोगे तो कोर्सेज एक जो है पॉइंट आएगा। कोर्सेज में आपको मेंटोरशिप को ओपन करना है। मेंटोरशिप में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपकी जो भी जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसमें फिल करनी है और फिर वहाँ पर UPI ID दी हुई है, वहाँ पर अपने जिस कोर्स को आप चुनना चाहते हैं कि 1 मंथ के बेसिस पर चुनना चाहते हैं, 6 मंथ के बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेमेंट UPI ID पर कर सकते हो। इसके बाद में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो हमें मेल के थ्रू आ जाएंगी और फिर आपकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपका जो हमारा प्राइवेट चैनल है मेंटरशिप के बेसिस पर जो हमने प्राइवेट चैनल बनाए हुए हैं वहाँ पर आपको ऐड करवा दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में हम वहाँ पर मेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। और 1 अगस्त से आपका जो प्रोसीजर है 2023 का जो आपका टारगेट है उसको टारगेट करते हुए हम डेली बेसिस पर आपको टारगेट प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है प्रोग्राम तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट जो है जो हमने लॉन्च की है आपके लिए, जल्द ही 1 अगस्त से ही इसके साथ में आपको डेली जो भी एडिटोरियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा करंट अफेयर्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रेगुलर बेसिस पर, उन सभी के जो क्रिस्प नोट्स हैं वो आपके लिए वहाँ पर डेली बेसिस पर अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे हम ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी आपको जो है वो बेसिक नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे आंसर राइटिंग, एथिक्स, इन सभी के फोकस करते हुए हमारी जो वेबसाइट है वो आपके लिए डिज़ाइन की गई है। जो आपको वेबसाइट का जो लिंक हम आपको प्रोवाइड करें उसके बेसिस पर आप व्यू कर सकते हो और देख सकते हो कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर वहाँ पर काम किया जाएगा। ओके,
तो द हिंदू की अब न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं और फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर बर्मिंगम 2022। ये क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं बर्मिंगम में और इसी को लेकर यहाँ पर बता रखा है कि आज से थर्सडे से वहाँ पर ओपनिंग होगी। 22nd एडिशन है ये कॉमनवेल्थ गेम्स का और इसमें जो हमारे इंडियंस हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर उन सारे गेम्स के बारे में बताया गया है कि जिसमें जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनका लगता है कि वो पोडियम पर कोई ना कोई मेडल लेकर के आएंगे। यहाँ पर ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसका जो मैस्कट है, ऑफिशियल मैस्कट जो है वो पैरी है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जब भी करंट में कोई भी गेम हो और उसका मैस्कट क्या है, इसको लेकर के आपको क्लियरेंस होना चाहिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो गेम है उनके बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि कौन से गेम में कौन सा जो हमारा प्लेयर है उससे हमें होप है कि ये हमें ज़रूर कोई ना कोई मेडल दिलवाएगा। अब यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो, जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं जिनको फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी जानते हैं, 1930 में सबसे पहले ये इवेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। 1942 और 1946 दो ऐसे एक्सेप्शन हैं जब ये कॉमनवेल्थ गेम जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था। 1930 से 1950 के बीच में इन कॉमनवेल्थ गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ यूनियन जो है, कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है उसमें वो सारे कंट्रीज जुड़े हुए हैं जो कभी ब्रिटिशर्स के अंडर उनकी एक टेरिटरी के रूप में एक एग्जिस्ट करते थे, कॉलोनी के रूप में एग्जिस्ट करते थे। तो उन सारे कंट्रीज़ को ज्वाइन करके कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाया गया और फिर उसी ग्रुप में इस गेम्स को स्टार्ट किया गया कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। 1950 के बाद में ये जो गेम्स हैं इनको बोला गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, क्योंकि 1950s के आते आते अगर हम देखें तो बहुत सारे कंट्रीज जो हैं जो ब्रिटिशर्स के अंडर एक कॉलोनी के रूप में आते थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवा लिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, देखो हमारा जो एडिटोरियल पेज है उस पर भी कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स आए हैं तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से गेम को यहाँ पर इनपुट किया जा रहा है और कौन से गेम को यहाँ पर आउटपुट किया जा रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी PMLA एक्ट को लेकर के। PMLA क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो भी कोर अमेंडमेंट्स इसमें किए गए हैं उन सभी को अपहेल्ड किया है। इसके बेसिस पर गवर्नमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उनको एक तरीके से अनब्राइडल्ड पावर दे दी गई है समन की, अरेस्ट की, रेड की एंड मेक बेल्स नियरली इम्पॉसिबल वाइल शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस ऑन द अक्यूज्ड रादर देन द प्रोसिक्यूशन। ओके, तो यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स दे रखे हैं इस PMLA एक्ट को लेकर के और ईडी की क्या क्या पावर इसमें आएंगी इसके बारे में बता रखा है। देखो, अगर मनी लॉन्ड्री को लेकर के कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो इसको सेम इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि कोई टेररिज्म एक्टिविटीज़ की गई हो, मतलब सेम टेररिज्म की तरह ही इसको भी हीनियस क्राइम माना जाएगा। इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो मनी लॉन्ड्रिंग की हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करवाता है। सेक्शन 24 जो है वो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एंड सेक्शन 5 जो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू स्टे, इन सभी के बारे में बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। ये जो एक्ट है इसके बेसिस पर एक बात बोली गई है कि देखो, जो ईडी है और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको एक्सट्रीम यहाँ पर पावर देने की कोशिश की गई है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गिव एन एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इन एवरी केस एज इट वॉज नॉट एन FIR। इसमें बताया गया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई इशू होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करवाई जाए क्योंकि ये एक FIR की तरह नहीं है। ओके, यहाँ पर जो स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट मेड टू ED आर कंसिडर्ड एडमिसेबल, प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अक्यूज्ड एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड द स्टेट। द क्वेश्चन ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ PMLA अमेंडमेंट्स थ्रू द मनी बिल रूट इज टू बी डिसाइडेड बाई ए लार्जर बेंच। ओके, ये बोला गया है कि PMLA में जो अमेंडमेंट्स हैं क्या मनी बिल के थ्रू उनको लाया जाएगा, तो इसको लेकर के डिसाइड किया जाएगा एक लार्जर बेंच के द्वारा। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, PMLA मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो इश्यू हैं उनको
उनको लेकर के गवर्नमेंट की पावर जो है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा ये बताया गया है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इशू हैं उनको टेररिज्म के तहत ही या टेररिज्म के जैसे ही उनको भी ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा, देखो जो मनी लॉन्ड्रिंग इशू क्रिएट होता है तो इसकी वजह से बहुत सारे इशू जो हैं, करप्शन जो है इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक जो इशू जो हैं वो सामने आते हैं। तो इन सभी को कर्ब करने के लिए ईडी और जो हमारी गवर्नमेंट है उनको यहाँ पर मैक्सिमम पावर देने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो हमारी जो मिनिस्टर हैं, यहाँ देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारती प्रवीण पवार जो है उन्होंने नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022 जो है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि हमारे इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में जो फर्टिलिटी रेट है वो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है एंड एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वीमन, मतलब एक वीमन जो है वो कितने बच्चों को जन्म देती है, तो हमारे इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 है या फिर इससे भी कम है। 2.1 मतलब 2.1 मतलब ऐसा नहीं है कि दो बच्चे कंप्लीट और एक बच्चा आधा, ये एक तरीके से एवरेज है, मतलब कहीं पर किसी फैमिली में 2 children, कहीं पर 1, कहीं पर 3, इस तरीके से इसको एवरेज निकालने की कोशिश की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स ये बताए गए हैं कि 2012 से 2020 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी मॉडर्न टेक्निक हैं उनका यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को अचीव कर चुका है। एक तरीके से ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होता क्या है, देयर इज स्टिल ए सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप दैट मस्ट रिमेन एट द सेंटर ऑफ आवर इंटरवेंशन एफर्ट्स। इंडिया का जो फोकस है ट्रेडिशनली सप्लाई साइड पर था, द प्रोवाइडर्स एंड द डिलीवरी सिस्टम, लेकिन अब टाइम के साथ में चेंज किया है हमने और अब डिमांड सिस्टम मतलब फैमिली को इसमें इंक्लूड किया गया है, फैमिली कम्युनिटी सोसाइटी इन सभी के बेसिस पर हमने अपना जो फोकस है उसको चेंज किया है। सिग्निफिकेंट चेंज इन पॉसिबल विद दिस फोकस इंस्टेड ऑफ एन इंक्रीमेंटल चेंज, मिस्टर भूषण नोटेड। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये बात बोली है कि टाइम के साथ में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो हमारे इंडिया में काफ़ी डेकेड्स पुराना है, लगभग 7 decades पुराना जो है हमारे इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है उस टाइम से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसके रिजल्ट जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई है कि हमारे जो गूगल है उन्होंने हमारे इंडिया के कुछ कंपनीज़ के साथ में मिलकर के 2 Indian firms मैपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर जेनेसिस इंटरनेशनल एंड टेक महिंद्रा, इनके साथ में मिलकर के हमारे इंडिया में गूगल जो है वो कुछ सिटीज़ में जो स्ट्रीट व्यू है वो प्रोवाइड करेगा। टाइम के साथ में ये सारी जो पॉलिसी है उनकी इंक्रीज़ होगी और इसमें मैक्सिमम जो भी हमारे स्टेट हैं, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, उन सभी को कवर किया जाएगा। ओके, तो पहली बार हमारे इंडिया में इस तरीके की लॉन्चिंग हो रही है कि वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें, द इंडिया लॉन्च मार्क्स द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दैट स्ट्रीट व्यू विच अलाउज यूजर्स टू व्यू पैनोरेमिक एंड स्ट्रीट लेवल 360 degree व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस इज बींग ब्रॉट टू लाइफ कम्प्लीटली बाई लोकल पार्टनर्स। टाइम के साथ में इसमें और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में 10 cities बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर एंड अमृतसर, इन सभी में ये जो गूगल और ये 2 India की जो कंपनीज हैं इन्होंने मिल करके ये बेसिक पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। 2022 तक ये जो प्लान है वो 15 cities तक एक्सटेंड करने की बात है और लगभग आने वाले कुछ टाइम में कंप्लीट इंडिया को इसमें कवर कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि लोकल बेसिस पर जो भी चीज़ें हैं उन सभी को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, अच्छे से 360 degree बेसिस पर जो है व्यू कर पाओगे किसी भी पॉइंट को और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है कि इससे प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट ये रहेगा कि द कंपनी ऑल्सो अनाउंस पार्टनरशिप्स विद लोकल ट्रैफिक अथॉरिटीज़ टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस ट्रैफिक कॉग्निशन।
ओके, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ये जो भी गूगल मैपिंग होती है आप यूज़ ही करते होंगे, इसकी वजह से जो है वो एरिया, किसी भी एरिया तक आपकी रीच अगर आपको बनानी है तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में और काफ़ी ईजी वे जो है, ईजी रूट जो है वो आपके लिए एक्सेसिबल यहाँ पर करवाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 4 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के लेकर के बताया गया है। यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट जो हैं वो इस हिस्टोरिक एक्ट 2006 में आया था फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा ने ये डिक्लेयर किया है कि 2024 तक हम इस एक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट ये था कि किसी भी फॉरेस्ट एरिया में जो भी ट्राइबल लोग रहते हैं उन कम्युनिटी को कुछ ऐसी पावर दी जाए कि उस फॉरेस्ट एरिया में कुछ एनक्रोचमेंट करना है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना है, वहाँ की जो भी नेचुरल हैबिटेट है उसके प्रिजर्व के लिए या फिर उसमें एनक्रोच करने की कुछ कोशिश की जाती है, तो इन ट्राइबल्स को कुछ राइट दिए गए और इनमें यह बताया गया कि आपके पास में ये राइट है कि यहाँ पर रिलेटेड, उस फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पर इनकी जो ग्राम सभा है, इनकी जो जनरल मीटिंग है वो एक तरीके से उसमें अप्रूवल देती है। लेकिन कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो 2006 में ही बन गया था हमारे इंडिया लेवल पर, लेकिन जो यहाँ पर जो ट्राइबल रहती है उनमें अवेयरनेस ही नहीं है। तो अवेयरनेस यहाँ पर गवर्नमेंट को कोशिश की जानी चाहिए कि कौन कौन से एक्ट जो हैं वो उनके लिए बनाए गए हैं और वो उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, तभी जाकर के इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसका रिजल्ट जो है किसी भी एक्ट का वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो अभी जो गुजरात में जो इशू हुआ लिकर को लेकर के, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि गुजरात में जो 40 लाइव्स को यहाँ पर जो इश्यू देखने को मिला, तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि गुजरात हमारे इंडिया के उन 4 स्टेट्स में इंक्लूड है जहाँ पर अल्कोहल जो है वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन फिर भी इसका यूज़ किया गया। तो इससे एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि देखो हमारे जो भी लॉ बनते हैं, जो भी हम बेसिक पॉलिसी बनाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें करना है तो उसका एग्जीक्यूशन जो है वो बेसिक लेवल पर अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी पुलिस फोर्स है उसके बारे में बताया गया है कि पुलिस फोर्स को जो है वो किसी भी क्राइम को रिड्यूस करने में हेल्प करनी चाहिए, ना कि इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट दे करके जो है वो इनक्रीज़ करने की कोशिश की जानी चाहिए। अब यहाँ पर गुजरात जो स्टेट है वहाँ पर इलीगल है, प्रोहिबिटेड है, फिर भी इसको अगर कंज्यूम किया जा रहा है और कंज्यूम के नाम पर जो है केमिकल यहाँ पर कंज्यूम करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी बेसिस पर ही ये सारे इशू जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि देखो गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, पहले तो जो ये जो एक्ट है उसमें ही कुछ लूपहोल हैं। गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 जो है इसके बारे में ये बताया गया है कि देखो फंडामेंटल राइट्स जो है उसको वायलेट करता है, इंक्लूडिंग प्राइवेसी। ये जो एक्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और उसमें प्राइवेसी जो है उसके ऊपर भी स्पेसिफिक एनक्रोच करने की कोशिश करता है। इस लॉ के ऊपर क्वेश्चन यही उठते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो टूरिस्ट हैं जो इस स्टेट में बाहर से आते हैं उनको यहाँ पर स्टेट में अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए दी जाती है। तो इस तरीके के जो प्रोहिबिटेड लॉज हैं, अगर अवेलेबिलिटी वो है वहाँ पर स्टेट में, अगर अल्कोहल की अवेलेबिलिटी है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको कंज्यूम तो किया जाएगा। तो जो भी लूपहोल हैं उनको सोल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि जो भी एक्ट बना है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और इस तरीके के इशू देखने को ना मिले। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसके बारे में अभी हमें जो फ्रंट पेज है उस पर भी डिस्कस किया, तो यहाँ पर 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसके बारे में बता रखा है कि 2.5 बिलियन पीपल जो हैं वो इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, 72 नेशन एंड टेरिटरी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, और ये सारे एरिया वो हैं जिनको पहले ब्रिटिश एम्पायर द्वारा रूल किया जाता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसमें हमारे इंडिया से भी बहुत सारे जो एथलीट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली बार वीमेन का T20 क्रिकेट, 3x3 बास्केटबॉल एंड मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग जो है वो इसमें न्यू फीचर्स के रूप में इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि शूटिंग को यहाँ पर रिमोल किया गया है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो एक तरीके से रिमूवल ऑफ शूटिंग फ्रॉम द 2022 एडिशन एंड द एब्सेंस ऑफ रेसलिंग
डिसिप्लिन दैट अर्नड मैनी मेडल्स फ्रॉम द 2026। शूटिंग को 2022 के एडिशन से और 2026 जो है उसमें रेसलिंग का जो भी पॉइंट है उसको भी यहाँ पर हटाया जाएगा। तो इसको लेकर के इंडिया को काफ़ी इशू क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि शूटिंग और रेसलिंग दो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर इंडिया को बहुत सारे मेडल जो हैं वो गेन होते हैं। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वहाँ पर भी शूटिंग को एक तरीके से एक्सक्लूड करने की बात की जा रही है। तो इसके बारे में ये रखा गया है कि अगर इसकी वजह से ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड की जाती हैं तो इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मेडल दिलवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो US के प्रेसिडेंट की जो अभी वेस्ट एशिया में विजिट देखने को मिली उसके बारे में बताया गया है कि देखो, वेस्ट एशिया में US जो है वो अपने रिलेशन वर्ल्ड लेवल पर उनको भी एक तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो इशू हैं उनके साथ को में भी उनको भी रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने अदर अदर कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन किया, जैसे कि सऊदी अरेबिया, इसराइल, इन सब के साथ में, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन गल्फ कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ में भी डिस्कशन किया। देखो, प्रेजेंट टाइम में रशिया ने जिस तरीके से टाइम टू टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाने देखने को मिलते हैं, उससे ये लगता है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे इशू क्रिएट हों कि यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। तो US ने अपना अल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट कर दिया है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ये हैं कि इनके साथ में रिलेशन अच्छे से मेंटेन किए जाएं, और वहाँ पर जो भी ऑयल का एक्सप्लोरेशन है वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ करवा दिया जा सके, ताकि जो भी इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, जो भी इश्यूज प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहे हैं इस वॉर की वजह से, एक पहले कोविड की वजह से, उन सभी को बैलेंस किया जा सके और एक तरीके से US का जो डोमिनेंस है उसको भी बनाए रखा जा सके। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें हेपेटाइटिस के बारे में बताया गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने हेपेटाइटिस केयर के ऊपर में फोकस किया है कि जो भी लोग इससे इन्फ्लुएंस हैं, जो भी इससे इफ़ेक्टेड हैं, उन सभी के लिए प्रिवेंशन के लिए और इसके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए एक ऐसा डायग्नोसिस होना चाहिए जिसमें अर्ली स्टेज पर ही इसके बारे में पता लगाया जा सके। यहाँ पर कुछ डाटा रखे हैं, दिस इज़ क्रूशियल इन द क्वेस्ट टू एलिमिनेट वायरल हेपेटाइटिस एज ए पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाई 2030, ए ग्लोबल टारगेट। एलिमिनेशन वुड ट्रांसलेट टू 90% रिडक्शन इन इंसिडेंट्स एंड 65% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी बाई 2030 कंपेयर टू द करस्पेंडिंग फिगर्स ऑफ 2015। यहाँ पर टारगेट डिसाइड किया गया है कि 2030 तक हम इसको एलिमिनेशन मेथड पर लेकर के आएंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ ऐसी अर्ली स्टेज में ही हम इसको डिटेक्ट कर पाएं, तभी जाकर के इस इश्यू को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें कुछ डाटा रखे हैं, और इसमें यह बता रखा है कि कोविड के टाइम में रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में क्या क्या इशू देखने को मिला, तो उसको दोबारा से किस तरीके से रिकवर किया जा रहा है उसी के बारे में बताया गया है। कंज्यूमर सेंटिमेंट वीकर इन रूरल एरियाज़, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने की जो विल पावर है वो रूरल एरियाज़ में कम देखने को मिली है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि कोविड की वजह से जो रिकवरी होनी चाहिए थी वो अभी तक अच्छे लेवल पर नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ही ये सारी जो अर्निंग पॉइंट है या सारी जो भी ख़रीदने की कंज्यूमर की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज स्टेज में अभी भी देखने को मिलती है रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो अभी पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है मॉनसून सेशन, उसमें क्या क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो, तो आप लीडर इज 20th MP टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा। राज्यसभा से पहले 19 मेंबर जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और अभी आप पार्टी के जो मेंबर हैं उनको भी यहाँ पर सस्पेंड देखने को मिल रहा है। राज्यसभा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके बेसिस पर स्पीकर ने वर्क किया है कि जो भी मेंबर जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, अगर राज्यसभा या फिर लोकसभा के बेसिस पर हम देखें, तो अगर उनकी प्रोसीडिंग्स में कुछ इश्यू क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको रेगुलर नहीं करने देता है, कुछ हाल्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर सस्पेंशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, या देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल है ना, देखो इसमें बताया गया है कि 4G कवरेज, थाउजेंड्स ऑफ विलेज जो हैं वो इंडिया में, वो 4G कवरेज उनको किया जाएगा। यहाँ पर देखो,
बहुत सारे एरियाज़ अभी भी हमारे इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर अभी नेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ये जो है वो मंकी पॉक्स वायरस के लेकर के ये आर्टिकल, और इसमें बताया गया है कि ICMR जो है उन्होंने बिड्स को इनवाइट किया है, मतलब कंपनीज को इनवाइट किया है कि मंकी पॉक्स वायरस के लिए जो वैक्सीन है उनको डेवलप आप कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो अभी US की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए कि वो ताइवान की विजिट यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर चाइना ने इस बात को रखा है कि अगर US इस तरीके से ताइवान की विजिट करता है, क्योंकि ताइवान जो है वो चाइना क्लेम करता है कि हमारा ही पार्ट है, लेकिन ताइवान जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है, तो अगर US इस तरीके से चाइना के जो भी इंटीग्रल इश्यूज हैं उन सभी में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, तो चाइना ने यहाँ पर वॉर्न किया है US को कि इसकी वजह से कुछ इशू जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो यहाँ देखो वेस्ट एशिया में अगर हम देखें तो UAE और ईरान के जो मिनिस्टर हैं उनके बीच में डिस्कशन हो रहा है, और जल्दी इसको लेकर के कुछ पॉइंट्स जो भी उनके बीच में इश्यूज होंगे ट्रेड को लेकर के या अदर जो उनके बायलेटरल रिलेशंस को लेकर के जो इशू हैं उन सभी को यहाँ पर वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर वेस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी लंबे टाइम से कि उन कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा इशू थे, उन सभी को यहाँ पर US ने अपना इंटरवीन करके एनक्रोच करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एक सेकेंड, नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है वो रशिया यूक्रेन जो भी इशू है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है, और भी अदर इशू जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है अभी UK में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद में वहाँ पर कौन नए प्राइम मिनिस्टर हो गए उसको बीच में उसको लेकर के लिज ट्रुस और जो हैं सेकेंड जो हैं ऋषि सुनक उनके बीच में यहाँ पर रेगुलर कैंडिडेट को लेकर के चल रहा है कि कौन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट जो बनने वाले हैं। तो यहाँ पर लिज ट्रुस ने अनाउंस किया है कि जैसे ही अगर वो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं और प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो कॉमनवेल्थ जो डील है उसमें कुछ नए चेंजेस लाए जाएंगे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर की टू स्टॉपिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, चाइना का जिस तरीके से इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है उन सभी को हमें रोकना है, और रोकने के लिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेजरली फोकस किया जाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो है उसको भी व्यू कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डेली बेसिस पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी में, इसके अलावा PIB, इन सभी में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू जो भी न्यूज़ हैं उनको यहाँ पर कवर किया जाता है। इससे आप मॉर्निंग में न्यूज़ पढ़ोगे, इवनिंग में जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है उसको व्यू करोगे, तो आपके जो करंट अफेयर्स जो हैं वो बहुत ही ईजी बेसिस पर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा आप सभी को ये भी अवेयरनेस रहेगी कि किस तरीके से कोई भी टॉपिक में क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। ओके, थैंक यू।